रंगियापुरा क्षेत्र में पानी की टंकी हो रही है जर्जर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 10 साल पहले बनी इस टंकी में विभिन्न जगहों से दरारें आने से बड़ा खतरा। स्थानीय रहवासियों ने इसमें सुधार कार्य करने की नगरपालिका से कई बार मांग की है। कलेक्टर के पास पहुंचा मामला, कलेक्टर ने नगरपालिका को निर्देशित करने और खुद भी मौका मुआयना करने की कही बात। इमरत आ गए। इमरत जी, ये बताइए ये कौन सी जगह है और ये कहाँ स्थित टंकी है, और टंकी में देख रहे हैं एक लीकेज है, क्या है पूरी कहानी? हम तो यही के रहने वाले हैं और जब से टंकी जो बनी है तब से हमें से लीक हो चुकी है। पानी खा ले खत्म हो जा रहा है, बंद हो जाती है, पानी भरता है तो हमें से लीक होती रहती। रात है, दिन है, तो ये रंगियापुरा में टंकी बनी है। इससे पूरे शहर में सप्लाई होती है? अच्छा, आधा विधि से कम लगभग। क्या इसके नीचे घर बने हुए हैं टंकी के? बने ना, टप्पर बने, सब मकान बने, टप्पर सब बने। कितने परिवार रह रहे होंगे इसके आसपास? इसके आसपास कुल 12-14 परिवार जी। तो डर नहीं लगता कभी क्या ऐसे लीकेज हो रही है टंकी? कभी नहीं लगता, डर नहीं लगता क्या? या फिर मजबूरी है रहना? मजबूरी है, मजबूरी है, इसलिए तो यहाँ रह रहे हैं। मजबूरी नहीं होती तो फिर और कहीं। अभी पानी गिर रहा है ऊपर टीन पे से? ये आपका घर है? हमारा भाई का घर। मेरे भाई उनका घर। क्या हो रहा है उधर? पानी लीकेज हो रहा था। लीकेज हो रहा है का? सरदाबाद। कहाँ रहती हो? टंकी के पास में। नीचे रहती हो टंकी के? हाँ। यही घर है आपका? हाँ। अभी क्या स्थिति है? पानी टपक रहा है टंकी से? टपक रहा है टंकी, 12 महीने टपकता वो तो। क्यों? का मालूम वो कहाँ टपकते। क्या लीकेज है, फूटी है टंकी क्या? पर तो नहीं है, फूटी है या नहीं है। काय में से आता है ये पानी, देख रहे हैं घर पर टपक रहा है? इधर ऊपर से ही आता है, टंकी पे से। टंकी पे से आता है? हाँ। ऐसे खतरा नहीं लगता यहाँ रह रहे हो आपके, कभी टंकी वगैरह कुछ हो जाए? खतरा लगता है, एक मोई टपक गई थी जहाँ पे से। अच्छा, कोई ने कछु नहीं किया बेचारा, ठीक बस सुरक्षित बच गई, बा कछु नहीं बा बच गई थी। हाँ। कहाँ से गिरी थी? ऊपर से ही। ऊपर कैसे पहुंची बच्ची? ऊपर जीना पे पहुंच गई। जीना जीना, जीना और बाउंड्री वाल नहीं है, खुला है पूरा? क्या पूरा खुला है? तो प्रशासनिक अधिकारी या कोई ने? कोई नहीं आया, कोई ने कुछ नहीं कही, कोई कुछ नहीं कह रहा। मैं नाम आजम खान है, मेरी टपाड़ी चौराहे पे रहता हूँ। ये पानी टंकी पीछे जो आप देख रहे हैं, घर का भी लीकेज होती रहती है और पानी पूरे दिन भर फेंकता रहता है, और कभी कभी नल नहीं आते हैं और टाइम पे चालू करते नहीं है नल वाले। अभी बाल ख़राब हो गया था तो कल दिन भर पानी नहीं आया, परसों भी नहीं आया था। अभी क्या स्थिति है टंकी की? अभी बेकार है सर, आप देख सकते हैं पीछे पूरी दरार पड़ रही है, दरार पड़ रही है, टपकती रहती है पीछे आप देखेंगे। इसको क्या डर लगता है क्या? ये मकान बने हुए हैं सर, कभी भी हो सकता है कुछ गिर जाए, जनानी होगी, कुछ भी हो सकता है। मकान बन सकता है, शिकायत की है? कोई याद ही नहीं है, कोई नहीं आता। पिछले दिनों आपके माध्यम से ये जानकारी मेरे पास में आई थी, मैंने नगर निगम के तकनीकी अमले को इसका तुरंत ही संज्ञान लेने के निर्देश दिए थे और उसका परीक्षण करके जो भी इसका तकनीकी सुधार किया जा सकता है वो करने के लिए मैंने कहा है। इसके साथ ही बरसात के पूर्व की जो तैयारियां होती है उसकी व्यक्तिगत रूप से आज मैं स्वयं जाकर के नगर पालिका में समीक्षा करने वाला हूँ, और ऐसे जितने भी
क्रिटिकल स्पॉट्स हैं उनको मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से जाकर के शहर में देखूँ।